सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। चोरी के आरोप में बच्चे की बेरहमी से पिटाई। जबलपुर में एसएएफ जवान ने मासूम को लात घूंसे मारे, फिर स्कूटी में बैठा कर ले गए। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। निचले इलाकों में रहने वाले करीब 37,000 लोग प्रभावित। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। शेयर इन्वेस्टमेंट में 46,000 करोड़ का एम्पायर बनाया। जेपी नड्डा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मौन चार्य में शामिल होंगे। ये मार्च जंतर मंतर से कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक तक होगा। तमिलनाडु में मंत्री की कार पर चप्पल फेंकी। शहीद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्री का भाजपा नेताओं से विवाद हुआ था। हर घर तिरंगा शान तिरंगा थी सॉन्ग का वीडियो जारी। टीवी शो हुनरबाज में झंडे गाड़ चुके हिमाचल पुलिस के ऑर्केस्ट्रा ने लिखा गाना। तिरंगा रैली में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री घायल नितिन पटेल को आवारा गाय ने मारी टक्कर। घुटनों में आई चोट, अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया चीन के साथ तिरंगे का सौदा करने का आरोप। कहा ड्रैगन के आगे नतमस्तक पीएम। रक्षाबंधन पर लेपर्ड को भी मिली बहन। राखी बंधवाई घायल तेंदुए के साथ सेल्फी लेती रही भीड़। इलाज के दौरान हुई मौत। गहलोत और राजेश पायलट के बीच हमेशा रहा 36 का आंकड़ा। अब जूनियर पायलट दे रहे चुनौती। राजस्थान में दलित स्टूडेंट की जमकर पिटाई। नस फटने से मौत। 9 साल के बच्चे ने टीचर की मटकी को छुआ था। आरोपी हिरासत। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में हुए हमले में एक जवान घायल। 2 दिन पहले परगल आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। मणिपुर के लोकटक झील के अस्तित्व पर खतरा। राज्य सरकार ने 300 फ्लोटिंग हट्स और होम स्टे तोड़ने के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर कसा तंज। केवल तिरंगा लगाने से राष्ट्रभक्ति नहीं आती, राष्ट्रभक्त नहीं बन जाता कोई। ममता बनर्जी को बदनाम करने वालों की करेंगे पिटाई। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाए टीएमसी नेता। बुलंदशहर में 75 घंटे तक लगातार तिरंगा फहराएंगे युवा। बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 16 अगस्त को 1:20 पर समय होगा पूरा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 26.59 करोड़ की वसूली। लोक अदालत में 1,41,441 वादों का हुआ निस्तारण। ई पोर्टल के माध्यम से 88,918 वादों का निस्तारण। फरुखाबाद में देर रात्रि लोहिया अस्पताल पहुंचे सीएमओ। परखी स्वास्थ्य सेवाएं। पीक वार्ड में अनुपस्थित मिले तो चिकित्सक से मांगा स्पष्टीकरण।
बदायूं में सीएससी संचालकों ने निकाली तिरंगा यात्रा, पौधारोपण किया। जिले भर में जारी है तिरंगा यात्रा का दौर, मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। भाई को शराबी सुन पति पर लगाया मारपीट का इल्जाम, मुजफ्फरनगर में फैमिली कोर्ट ने की सुनवाई। बिजनौर के 6 गांवों में निकाली तिरंगा यात्रा, मुस्लिम समाज के लोगों में दिखा देशभक्ति का जोश, अकबरपुर समेत कई गांवों में आयोजन। सदगुरु सेवा संघ ने निकाली तिरंगा यात्रा, चित्रकूट के डॉक्टर वी के जैन ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। पीलीभीत में कार के सामने आया भालू, कलीनगर जा रहे थे अधिवक्ता, माला रेंज में रात 10 बजे अचानक थमे गाड़ी के पहिए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग परीक्षण रोकने के लिए चलाया अभियान, सूचना देने पर 1 लाख का मिलेगा इनाम। अमेठी के मुसाफिरखाना में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल, रंजिश में बाप बेटे ने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर बोला जानलेवा हमला। यमुना और चंबल नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, इटावा की दोनों नदियां खतरे के निशान से आगे, अगले 12 घंटे में जलस्तर बढ़ने की संभावना। कन्नौज में ट्रेन के आगे कूदा युवक, गई जान, वीडियो कॉल पर कर रहा था बात, औरैया निवासी के रूप में हुई पहचान। अमरोहा में ग्राम प्रधान के खिलाफ गर्जे ग्रामीण, 3 महीने से टूट पड़ा गांवों के मुख्य मार्ग का नाला, सड़क धसी, नहीं हो रही सुनवाई। कानपुर व्यापारी के शरीर में 3 किडनी, मेडिकल के दुनिया में रेयर है ऐसे मामले, खेलकूद से दूर सावधानी बरतने को बोलते हैं एक्सपर्ट। प्रयागराज में कुख्यात गौ तस्कर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्कर, सपा का ब्लॉक प्रमुख है गौ तस्कर, मुजफ्फर अब तक 15 करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क। चंदौली में किसान करे असली खाद की पहचान, कृषि उप निर्देशक ने बताया जांच का घरेलू तरीका, किसानों की घटेगी लागत। पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम, मथुरा में चल रहे कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने की सहभागिता। बागपत में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, लाखों की नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। उन्नाव पुलिस लाइन में आयोजित हुआ अमृत महोत्सव कार्यक्रम, इंस्पेक्टर ने भक्ति गीत गाकर बांधा समा, बच्चों को किया गया सम्मानित। फिरोजाबाद में खाने के सवाल पर एडीजी ने किया मेस का निरीक्षण, एडीजी बोले पुलिस विभाग में अनुशासन का महत्व। बरेली में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा गैंग, 3 गिरफ्तार, बरेली में 3 लूट को दिया अंजाम, लाखों की नकदी और जेवरात बरामद। कानपुर में दबंगों ने गृहस्थी घर से बाहर फेंक मकान कब्जाया, पुलिस के सामने बेखौफ दबंग करते रहे, कब्जा और मारपीट, विरोध करने पर पुलिस से भी अभद्रता। गोरखपुर में युवक पर फावड़े से हमला, पीड़ित बोला अस्पताल में पुलिस ने भी पीटा, मोबाइल फोन भी छीना, साथ आए लोगों ने किया हंगामा। नोएडा की सड़क पर महिला की गुंडागर्दी, हल्की सी गाड़ी टच होने पर 90 सेकंड में 17 तमाचे मारे, कॉलर पकड़कर पीटा।
बस्ती में दर्जनों बुलडोजर के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव पर भी चढ़ा बुलडोजर का क्रेज, सांसद भी हुए शामिल। नीतीश कुमार पर आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कसा तंज, बोले जिंदगी की आखिरी पारी खेलने के लिए देख रहे ख्वाब। आतंकी सबाउद्दीन के मिले आईएसआईएस और आईएसआई कनेक्शन, सोशल मीडिया से लिया था दहशत फैलाने की ट्रेनिंग, विदेश भागने की तैयारी में था। गोली खाकर भी लहरा दिया मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा, आज भी सपूत हो गए थे शहीद, नहीं गिरने दिया था आजादी का तिरंगा। हरदोई में दो साढ़ू भाई आपस में भिड़े, एक दूसरे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। मिर्जापुर में गाजीपुर का हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 11 लाख की हेरोइन बेचने आया था, पुलिस ने पकड़ कर की कानूनी कार्रवाई। फिलहाल उत्तराखंड में नहीं होगा धामी के मंत्रिमंडल विस्तार, नई टीम की घोषणा के बाद ही दायित्वों पर होगा विचार। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 255 नए संक्रमित, हरिद्वार जिले में एक मरीज ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में अपना थिंक टैंक तैयार करेगी धामी सरकार, योजना आयोग के सीपीपीजी को सौंपी जा सकती है नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में रेवाड़ी में एक जगह दिखे घायल दो तेंदुए, ट्रैकुलाइजर टीम के पहुंचने से पहले ही गायब। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ तहरीर, हर घर तिरंगे को लेकर दिए बयान पर मचा बवाल। उत्तराखंड में हर साल 22 हथियारों की मौत, प्राकृतिक मौत के बाद आपसी संघर्ष और दुर्घटनाओं में मारे गए सबसे ज्यादा। उत्तराखंड में राज्य की जेलों से 23 कैदी 15 अगस्त को होंगे रिहा, सबसे अधिक इस जेल के बंदियों की सजा माफ। यूके एसएसएससी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में सरगना हाकम सिंह रावत को देर रात देहरादून लेकर आई एसटीएफ, चल रही पूछताछ। छुट्टी मनाने उत्तराखंड में उमड़े पर्यटक मसूरी और नैनीताल, पाक भारी भीड़ से पुलिस के हाथ पांव फूले। पेपर लीक मामले में सरकारी नौकरियों का सौदागर बना शिक्षक, अपने घर ले जाकर करवाता था नकल। उत्तराखंड में जो भारत को अपना देश नहीं मानते ऐसे लोग चिन्हित तो होने चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा। उत्तराखंड में 13 वीर नारियों और 12 सैन्य अधिकारियों को वीरता पुरस्कार, राज्यपाल ने कहा उत्तराखंड वीरों की भूमि। उत्तराखंड में आज 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल रीजन के 150 नए टायरों की जरूरत, घिसे टायरों वाली बसों में भेजे जा रहे यात्री। उत्तराखंड में आरटीबीपी ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारों से गूंजे पहाड़।
सलमान रुश्दी की हालत में सुधार, वेंटिलेटर से हटाए गए, उन्हें चाकू मारने वाले आरोपी की कोर्ट से गुहार, मैं दोषी नहीं। काबुल में भारतीय दूतावास खुलने से गदगद तालिबान, बोला सुरक्षा देंगे, अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अगर संपत्ति जब्त की तो रूस ने अमेरिका को दे दी द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह खत्म करने की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में की भारी गोलाबारी, यूक्रेन ने महत्वपूर्ण पुल पर भी हमला किया। दक्षिण मिस्र में एक बस के पलट जाने से कम 9 लोगों की मौत, जबकि 18 अन्य घायल, अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारतीय छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पर तुला चीन, एडमिशन दिया लेकिन स्टूडेंट्स को 3 साल से वापसी का वीजा नहीं मिला। हांगकांग से पलायन, 61 साल बाद रिकॉर्ड गिरावट, आबादी 1.6% घट गई, जिनपिंग की नीतियां इसकी वजह। अमेरिकी सिंगर ने गाया ओम जय जगदीश हरे, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मैरी मिलबेन लेंगी हिस्सा, पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी नेता। अफगानिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन, शिक्षा और काम का हक मांग रही थी, तालिबानी लड़ाकों ने पीटा, हवाई फायरिंग की। चीन को घर में चुनौती देगी अमेरिकी नौसेना, नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद अब ताइवान संग व्यापार बढ़ाने का ऐलान। जियो का सस्ता 5G फोन जल्द, कंपनी ने बताया कि वो इस पर काम कर रही, एक्सपेक्टेड प्राइस 12,000 रुपए तक। बजाज सिटी 125X बाइक, अब इसमें फोन का चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, इसके लुक और फीचर्स भी बेहतरीन। फाइव जी नीलामी में 19,867.8 MHz स्पेक्ट्रम हासिल कर ग्राहकों को नया अनुभव देगा एयरटेल। अलविदा राकेश झुनझुनवाला, 46,000 करोड़ का एम्पायर, पीएम बोले उनका योगदान नहीं भुला सकते। सीमेंट कारोबार में वर्चस्व के लिए अडानी समूह तैयार, ACC और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण को मिली मंजूरी। गृह मंत्रालय की कार्रवाई से प्रभावित एनजीओ समीक्षा के लिए 11 सितंबर को देंगे ऑनलाइन आवेदन, निर्देश जारी। विजय शेखर शर्मा को फिर से सीईओ बनाने का हो रहा विरोध, 6% तक टूट गया पेटीएम का स्टॉक। NFT की चोरी से निपटने के लिए ओपन सी ने बदली पॉलिसी, ओपन सी ने चोरी किए सभी मामलों में पुलिस अधिकारियों की मदद लेने का किया फैसला। ब्लैक रॉक ने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए शुरू किया स्पॉट बिटकॉइन, प्राइवेट ट्रस्ट यूजर्स के लिए कॉइन स्टेकिंग पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ा गया। डॉयचे बैंक के पूर्व सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंशु जैन का न्यूयॉर्क में निधन, जैन 2017 से ड्यूओडेनल कैंसर से पीड़ित थे। रोहतक में अमित पंघाल का भव्य स्वागत, तिरंगे के साथ घर तक निकाला विजय जुलूस, कृषि मंत्री JP दलाल भी पहुंचे।
इंग्लिश बल्लेबाज डेविड ने काटा बबाल, 44 गेंद में कूटे 98 रन, 9 छक्के जमाकर लूटी महफिल। सचिन ने खास संदेश के साथ खुद घर पर लगाया तिरंगा, फैंस ने जमकर सराहा मास्टर का अंदाज। बांग्लादेश ने शाकिब अल हसन को बताया एशिया कप और विश्व कप के लिए कप्तान, टीम का भी किया ऐलान। आप हार्दिक के बिना कोई भी 11 नहीं बना सकते, चोपड़ा ने बताई पांड्या की यूएसपी और मैनेजमेंट को वार्निंग दी। वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंची टीम, इंडिया टीम आज से करेगी प्रैक्टिस, कप्तान केएल राहुल के फिटनेस और परफॉर्मेंस पर होगी नजरें। रॉस टेलर का आरआर के मालिकों पर बड़ा आरोप, 0 पर आउट होने पर मुझे थप्पड़ मारकर बोले तुम्हें करोड़ों रुपए आउट होने के लिए नहीं दिए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप से हटी सिंधु, टखने में चोट के कारण नाम वापस लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को दिलाया था गोल्ड। लेडी वॉन की फिरकी ने मचाया धमाल, गेंद को पिच पर नचवाकर हासिल की हैट्रिक, ऐसा कर इतिहास रचा। मोदी बोले यूक्रेन में दुनिया ने देखी तिरंगे की ताकत, कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कुश्ती पर हर जगह बेटियों का योगदान अद्भुत। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में हो रहा सुधार, भतीजे ने दी हेल्थ अपडेट, बोले वो अपने हाथ और उंगलियों को भी मूव कर रहे हैं। दीपेश चौहान की फैमिली पर 50 लाख का कर्ज, सौम्या टंडन ने कर्ज चुकाने के लिए वीडियो शेयर कर फैंस से मांगी मदद। पैंसठ साल के हुए जॉनी लीवर पिता शराबी थे तो पेन बेचकर गुजारा बचपन, फिल्मों में शूट के दौरान ही करते थे खुद का सीन क्रिएट। कैलाश खेर ने की अफवाह न फैलाने की अपील, सिंगर ने राजू श्रीवास्तव की जल्द रिकवरी के लिए रखा महामृत्युंजय मंत्र जाप। आमिर की फिल्म के बाद क्यों शाहरुख की पठान को बायकॉट कर रहे लोग, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ बायकॉट पठान। मुनमुन दत्ता का डांस वीडियो आया सामने, तारक मेहता की बबीता जी ने शेयर किया डांस वीडियो, फैंस ने की तारीफ। अक्षय कुमार का पुराना बयान वायरल, एक्टर ने कहा था फिल्में फ्लॉप होती रही तो भारत छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा। आमिर की फिल्म को मिला सम्मान, लाल सिंह चड्ढा को ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर मिली जगह, अकेडमी ने वीडियो शेयर कर फॉरेस्ट गंप से किया कंपेयर। क्वांटिको की एक्ट्रेस का निधन, एनी हेचे की कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में हुई मौत, को स्टार को याद कर इमोशनल हुई प्रियंका चोपड़ा। ज्योति दूरा के पति बोले गहल फहमी थी, कुणाल बोले कुछ लोगों ने फायदा उठाना चाहा, भगवान ने दोबारा मौका दिया। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।